12 नवंबर पथराव मामले में और दो लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिली है, जिसमें से अरशद यूसुफ इलियास तनवीर जुल्फिकार, जो मालेगांव महानगर पालिका के कॉरपोरेटर है, 17 जून तक इनको एंट्रीम एंटीसिपेटरी बेल इनकी मंजूर की गई है। 17 जून को इनकी फाइनल हेयरिंग होने वाली है। एनसीपी के बैनर तले काम करने वाले आरिफ शेख वकील साहब और इसी के साथ साथ जो मुंबई हाईकोर्ट का कामकाज देख रहे महेंद्र वकील, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें दी वीडियो के ज़रिए। और एकता सेठ भी वहाँ पर मौजूद थे, अज्जू अंसारी मौजूद थे, और ख़ासकर एकता सेठ ने शेख आसिफ साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक बात कही थी कि काफ़ी सारी मदद शेख आसिफ ने हमें इस मामले में की। आज हमारे क्लाइंट जो है डॉक्टर अरशद और तनवीर अहमद, ये दो लोगों की हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल आज मंजूर की है, जिसमें इंट्रीम ऑर्डर कोर्ट ने किया है और 17 जून तक इनको अरेस्ट नहीं करना, पुलिस ने इस तरीके का ऑर्डर दिया हुआ है। हाईकोर्ट में हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट महेंद्र संदेनशिव, इन्होंने इस केस के ताल्लुक से अर्गमेंट किए। आज हाईकोर्ट ने डॉक्टर अरशद आणि तन्वीर या दोघांना सीआर नंबर 74 आणि 75 सिटी पोलीस स्टेशन मालेगाव मध्ये अटकपूर्व जामिनात अंतरिम दिलासा दिलेला आहे। 17 जूनला मॅटर हिअरिंगला लागेल, फायनल हिअरिंगला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे दोनों बच्चों की एंटीसिपेटरी बेल हम हाईकोर्ट में डाले थे। हमारे महिंदर सर, आरिफ वकील साहब, ये लोग यहाँ पर रखे थे, तो उसकी इंटेरियम 17 जून तक मिली है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और जो लोग अंदर हैं, जेल के अंदर बंद है, हम उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे आसिफ भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है।